रास्ता नहीं है। आयल तो थोड़ा मार रहा है, देखेंगे बोर खोले बाद क्या। गाइस मेरा नाम दादा फिर कर्नाटक दावणगेरे से। ये वीडियो बनाने का मकसद कि 2015-16 मॉडल की स्प्लेंडर है, वो गाड़ी में क्रैंक साउंड आया, वो क्रैंक ग्रीस सटकर को भी था, वो कोसी कंपनी का था, नहीं वो भी दिखा दूँ मैं तुम्हें, और इसमें क्या क्या करना वो भी पूरा डिटेल देता हूँ। मेरा काम अच्छा लगे तो लाइक करो शेयर करो। देखिए यही गाड़ी है, अब स्टार्ट करके दिखाता हूँ साउंड कितना। देखिए बहुत क्रैंक का साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये अभी रिसेंट में ऑयल चेंज करके दिया था मैंने, गाड़ी में स्मोक भी कैबी नहीं है, स्मोक तो नहीं है, फिर भी बोर खोल कर देखेंगे। स्क्रैचेस रहा तो बोर भी ख़राब होता है, स्क्रैचेस नहीं रहा तो एक शटरिंग तल के रेडी करवा देंगे फटाफट। इसमें कितना सामान गया है, क्या क्या डालना है इसमें, वो भी आपको ज़रूर इसी वीडियो में जानकारी दूंगा मैं। देखिए ऑयल तो थोड़ा मार रहा है, देखेंगे बोर खोले बाद क्या करेगा, डेफिनेट मालूम आ जाता है इसमें। अब जल्दी फटाफट ये गाड़ी का इंजन खोल कर बाकी का आपको वीडियो में मैं दिखाऊंगा। ये देखो ऑयल भी नवा का नवा ही है इसमें, ऑयल भी क्या भी है, अभी रिसेंट में 2-3 दिन पहले डाली में साल है। देखेंगे फटाफट खोल को इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है वो भी तुमने दिखा दो मैं। इसमें कौन सा ऑफसेट यूज़ करना, एक बार ये इंजन एक बार बना को ही है, कहीं की खेड़े में है ना क्रैंक ऑफसेट एक दाल को था, मैं एक बार बोर करके दी हुई है। अब नेक्स्ट क्या आता, 25 नंबर का बोर है इसमें, ये एक नंबर ऑफसेट दाल को है। इसमें कौन से कंपनी का ऑफसेट डाली वो भी बोलता हूँ मैं तुम्हें, और क्या इसमें कौन से कंपनी का डाले तो चलता है इसमें वो भी दिखा दूँ। देखेंगे ओरिजिनल मिला तो ओरिजिनल ऑफसेट डालेंगे। इंटरशिप पहले तो ना बहुत ईजी निकलता है, निकले बाद ये प्लेट है ना जरा टाइट था, करने में है ना बल्ला का तकलीफ होती, उसके लिए मैं एक कूलर बनाऊँ छोटा, ये जो साइड बैग आती है ना बैग की क्लंप में ये पिलर बना हुआ है। देखिए ये पिलर ये साइड उधर कहानी ब्रेक फुटरेस्ट कर रहा है, फुटरेस्ट का बोल्ट है ये सब पाक पॉइंट की तरह बना लेना है, बना ले वो इसमें पॉइंट में बैठना है। ये देखिए ना ये पॉइंट में बैठना है, ये पॉइंट ये बड़े क्या होता है तुम्हें फिरता नहीं है, ये स्टॉप हो जाता है। अभी एल सी भी है ना ईजी फटती भी नहीं, आराम से निकलती तुम्हें, और तुम्हें कार को भी ये एल सी डाल सकती है, मैंने कार को दिखाता मैं निकल गया एल सी, लेकिन तुम्हें कहाँ भी एक जगह भी स्क्रैचेस नहीं हो पाए। देखिए तुम्हें ये पिलर क्या करो, ये अंदर गैप बताओ, ये गैप को बता ये हाफ राउंड बना लेना तुम्हें, ये देखिए तुम्हें हाफ राउंड बना लेना, बना ले क्या करना है तो इसमें अंदर बैठता आराम से ईजी। देखो बाद में की बोल्ट लेना है, देखो बैठा है ईजी बैठा लेना, देखो देखो बैठा है ईजी, क्या करना है पहले 17 का 5 ले लो, तुम पहले बताओ हरा वाला बल्ला की जने आना, यहाँ कटिंग कर डालती हैं नम नम बने क्या करती है, क्या करना है खचे कट हो गया तो, और ये कट हो गया तो फर्क नहीं पड़ता है, दो भी है ना ये क्या भी कट हो तो क्या भी फर्क नहीं पड़ता है, ये नहीं कटवाना है, ये शेल्फ चेन का पैड बढ़ाना, ये कट हो गया तो ये प्लेट गए मुझे, ये ऐसा तुम्हें बना ले तो बहुत ईजी होता है, क्या भी तकलीफ नहीं होती, सपोर्ट भी नहीं माना क्या भी ईजी है ना, तुम्हें ओपन होता है निकल रहा है। इसी जानकारी देना था, मेरा काम अच्छा लगा लाइक करो शेयर करो तो सब्सक्राइब करो, ईजी निकल रहा था। अभी अच्छी चीज़ मेरे पास ये है कि आइडिया तुम्हें बना ले सकती हैं, क्या भी ज़्यादा मोटा खर्चा नहीं, वेस्टेज सामान में पूरा तुम्हें ना अच्छा अच्छा सामान बनता वो भी दिखा तुम्हें। देखो मैं पल्सर की रचिट में है ना किकर रचिट में, मैं ये बॉक्स खोल लेंगे टेप बना पाऊँ, पूरा इंजन ओपन हो चुका है। ये देखो एच क्रैंक साउंड उतना उतना ज़्यादा साउंड आ रहा था ना, एच के वो क्रैंक के ऐसे साउंड नहीं आना इसमें। ये अच्छे देखो ये अरोमा कंपनी का तल को है इसमें, रोमो एक नंबर ही शेष है। ये इंजन
बोर के बारे में भी बोला था मैं कि ये स्क्रैचेस हुआ तो बोर भी कराना, तो बल्ला का वो पिस्टन के जो बेरिंग रहती है ना, बेरिंग फूट गया ना, बल्ला का स्क्रैचेस हो गया है, बोर भी कराना चाहिए। देखा कितने स्क्रैचेस हो गए इसमें। हिट की भी कंडीशन देखो, हिट के वाला गेड़ा पूरे पूरा इंजन स्क्रैच अच्छा है इसमें। कैमशाफ्ट भी अच्छा है इसमें, कैमशाफ्ट के भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं, बेरिंगा गिरिंगा सब अच्छे अच्छे हैं। ये टाइमिंग चेन का पूरा देखो, स्मॉल व्हील बल्ला की हार्ड हो गई है, ये बोर व्हील बड़ी, ये भी बल्ला की हार्ड हो गए। ये बटन देखो, ये बटन मेन चेक करना है तुम्हें, ये बटन के ऊपर ही पूरा डिपेंड है। कम से कम उसको ना देखो डीप गड़ा पड़ गया, देखो दिख रहा तुम्हें ये गड़ा ऐसा पड़ेगा तो टाइमिंग चेन है ना, कम से कम उसको 1.5 mm 2 mm या 3 mm माइनस होती है टाइमिंग चेन का एडजस्टमेंट। ये जो टेंशन रहता देखो, ये कैम रहता ना, ये कैम है ना, ये माइनस होता है इसमें टाइमिंग चेन का एडजस्टमेंट आता है, सोचो 5 से 6 mm एडजस्टमेंट आता है इसमें। अब उसमें है ना 2 mm लेस करे तो भी 4 mm बचता, और एक 4-5 महीने के बाद अपना साउंड आता है टाइमिंग चेन का। खास करके है ना ये बटन है ना चेक करना है, ये होगा। अब गियरों की कंडीशन दिखा दूँ, दो भी शिफ्टर ओके हैं इसमें, क्या भी प्रॉब्लम नहीं। ड्रम भी चेक करें हमें, ओके अच्छा है, क्या भी नहीं। ये न्यूट्रल पट्टी, ये दो पिन्ना दिख रही, देखो तुमने ये दो पिन्ना तो चेंज करना है, बहुत क्या भी रेट नहीं, 60-50 रुपये के अंदर है वो मिला को भी। गेरा भी पूरे ओके अच्छे, क्या भी प्रॉब्लम नहीं। देखो पूरे हमें मॉडल गाड़ी चाहिए, क्या भी पुरानी गाड़ी ना मैं तब होगा। अब इंजन खोले के बाद भी शाफ्टां चेक करना है, शाफ्टां घट कर दी हैं। मॉडल गाड़ी मैं खाली वीडियो के लिए दिखाने के वास्ते बना रहा हूँ सब, मॉडल गाड़ी का चाहिए। तो मैं कोसी गाड़ी खोले तभी ये टेप चेक करे तो है ना, तो मैं काम करे तो भी क्या भी टेंशन नहीं रहता। देखो पूरे पूरे ओके अच्छे हैं इंजन के भी, देखो कितनी पावर है, इंजन कंडीशन ही है, क्लीन ही है। अब क्लच के बारे में भी बोल दूँ ना, ये प्राइम गियर हमिंग व्हील बोलते ना, ये हमिंग व्हील हर बार इंजन करते टाइम है ना ये भी चेंज करना चाहिए, साउंड रहा तो चेंज करना चाहिए। इंजन अच्छी रहे तो भी ना, तो मैं क्लच स्पीड डालने खोल रही है तभी ये प्राइम गियर है ना चेंज करो करो, बहुत ही स्मूथ रहता साउंड। बाद में ये क्लच का बेल के पूरे खाचे पड़ गई हैं, ये हेडलिंग में आना साउंड आता, क्लच पकड़े तो लेस होता, क्लच छोड़े तो और साउंड आता, इसलिए मैं बेल भी दलाता हूँ। ये क्लच प्लेट स्टील प्लेट है, देखो ये दो भी सटीक दलाना हुआ, क्लच प्लेट भी स्टील प्लेट अपना है ना, मूविंग बहुत ज़बरदस्त आता। बाद में किकर स्प्रिंग, सेल्फ के गड़े में ज़्यादा किकर यूज़ करते हैं, इंजन खोल रही तो 40 रुपये ओरिजिनल स्प्रिंग ही चाहिए, ये दलदले तो टेंशन ही करता नहीं। और ये गियर शिफ्टर की पट्टी, ये पट्टी क्या काम करती है तो ये है ना बेंडो डालती है गड़ा में, और है ना ये प्ले भी बल्ला की रहती। देखो इंजन कर रही है तो ये पट्टी चेंज करता लेते, अभी गेरा है ना बहुत स्मूथ पड़ती है तुम्हें। अभी पूरा सामान लेते को बेचता मैं पूरा रेडी करने के वास्ते, रेडी करने के बाद भी देखो ये बेरिंग है, जब ऑफ साइड जाको है तो ये बेरिंग भी रफ होकर रहती, अब आयल में ही फ्री फिर रही, फिटिंग करे बाद है ना लोड पड़ता ना, जब साउंड चालू डालता है का तो बहुत हाई स्पीड में फिरता सो क्रैंक के, इसलिए है ना मैं क्या भी इसके बारे में नया दे रहे तो अच्छा दिख रहा मुझे। ये तो सभी बोर रफ होगा तो ये बेरिंग है ना टाइमिंग चेन को आयल चढ़ता ना, वो इसमें प्रेजर छोटे छोटे पीसर है ना टाइमिंग चेन से आयल आता ना, वो हेड को जाता ना वो चाय फिर को आता सो कैम इसमें कैम शाफ्ट में सी ये होल में से आता सो ये छोल में से आता सो ऐसी शील्ड रहती बेरिंग है यहाँ से ये होल में से आओगे ये होला में सप्लाई होगा कैम शाफ्ट अगर हमको पूरा सप्लाई होता बाद में ना यहाँ से भी इससे जाता ना ये क्लच से ये सीढ़ी चाहता आयल पूरा ये सीढ़ी चाहता था आयल पूरा यहाँ होगा ना डैमेज चेन पड़ती है मसी है ना बेरिंगा भी रखने का गियर था साउंड
कहता रफ्ता तुम्हें भी वीडियो में देखी है फर्स्ट पे, इसलिए अब पूरा रेडी करा हुआ। इसमें कहता इन्वेस्ट कहता होता वो भी दिखा दूँ मैं तुम्हें, इतना आगे कहता होता वो भी बोलता हूँ। अब ये ले सामान आने के बाद वीडियो दिखा दूँ मैं तुम्हें। आइटम पूरा रेडी होगा गाड़ी का है, देखो 50 नंबर का पिस्टन है, 50 नंबर का दो वाल रिबर करा वाले हैं, ये बेल देखो, एक क्रैंक हाफ किट भी बेरिंग है, ये दूसरे कंपनी का नहीं मिला और वॉच कंपनी का, उसमें डी माल भी है कहते, ये इसमें अरोमा कंपनी में बल्ला का डी माल आ रहा। अब ये देखो प्राइम गियर, ये क्लच प्लेट FCC कंपनी का, ये टेमिंग चेन किट पूरा, ये वाल के आयल सिला, ये हबर ब्रा, ये चाइनीज पैकेट, ये पैकिंग किट, ये क्लच केबल, ये पुराना वाला वो पिस्टन देखो उषा कंपनी की, और ना इंजन केसिंग बहुत क्लीन इच्छा है इसमें, एक तो मॉडल गाड़ी अभी है। ये हेड देखिए इंशाल्लाह वो सता जल्दी फिट कर गो, इसमें कितना साउंड स्मूथ आता वो भी दिखा दूँ मैं तुम्हें, पहले का साउंड भी स्टार्टिंग में आ रहा था वो भी सुन डालो। ये क्या क्या चेंज करना होगा, तो इसमें ये गेडरम की पिन्ना भी चेंज करना, न्यूट्रल पट्टी देखा, न्यूट्रल की पट्टी, गेडरम की पिन्ना, ये सब चेंज करना। खाली कितना बोले होता करे तो है ना, खाली क्रैंक कराक दे ले, गेरंग का भी करना होगा तो और इंजन खोलना, उसमें गियर ड्रम पिन्ना भी न्यूट्रल पट्टी तो डेफिनेट तुम्हें चेंज करना चाहिए, उनमें ऑयल पंप भी चेक कर लेना तुम्हें, ये डूम आती है कि गड्ढे में डूम आदि क्या होता है, ऑयल प्रेशर कम होता चढ़ता, ऑयल कम चढ़ता, तो स्टील ब्लेडा भी वेबर डाल को था मैं इसी वो डाल रहा हूँ, ये तो बेलना भी ओरिजिनल ही चाहिए इसमें, गाड़ी गुड़ में चाहिए बेलना हीरो कंपनी के। अच्छा ठीक है, देखेंगे इंशाल्लाह वो सब जल्दी इसे चूड़े में आता रहेगा। कभी भी इंजन फिट करते समय ना ये मैग्नेट सेट चैम्बर में फिट करो, फिट करे तो है ना बहुत ईजी होता तुम्हें, देखो पूरे गेरा गेरा है चेक कर लेती हूँ मैं, उसमें क्लस्टर की केसिंग में भी फिट कर सकती हूँ मैं, इसमें ये केसिंग है, इसमें है ना ये गेयर ड्रम है ना, ये शेप है ना पूरा अंदर चले जाता, उसमें शेप है ना अंदर चले जाता, वो अंदर चले गया तो गेरा चेक करने में ज़रा तकलीफ होती, उसमें भी चेक कर सकती हैं, लेकिन इसमें बड़े तो है ना बहुत ईजी होता तुमने, क्रैंक क्रैंक सब ईजी फिटिंग हो जाता तुमने। गाड़ी पूरी होके बता ली है तुमने, स्टार्ट करके दिखाता हूँ, वाटर सर्विस क्यूटर सर्विस सभी होगा, चाइनीज पैकेट गिनीस पैकेट माइनर काम क्या था ना, ये ग्रिप सट्टा केबल हाँ सभी आए लोग को एकदम ना फ्री हो गई गाड़ी। ज़रा टैपेटा लूज़ है इसमें, ज़रा मैश लूज़ रखी हूँ, बाद में ज़रा कूलिंग हुए एक बाद में टैपेटा सेट करता हूँ, ये देखो कितना स्मूथ आया था, गाड़ी परफेक्ट हो गया वो गली। और है ना एक फेसबुक में भी चैनल है मेरा, उसका लिंक इसके इसके नीचे डालता हूँ, ये भी डिस्क्रिप्शन में डाले रहता हूँ, वहाँ भी जाओ लाइक करो शेयर करो, वहाँ तो सब्सक्राइब करो, वहाँ भी मेरा काम अच्छा दिखा तो लाइक करो शेयर करो, इतना बोलना कहता शुक्रिया धन्यवाद। गाड़ी में टोटल है ना 9,200 रुपये खर्चा आया गाड़ी में, पूरा ए टू जेड सर्विस का है, चेंज बजट हबरा ए टू जेड सर्विस पूरा इंजन काम के साथ, पूरा 9,200 रुपये खर्चा आया इसमें, हुआ तो है ना लाइक करो शेयर करो।